लेट कर लिया के फर्स्ट लेट कर लिया हमने कि एक्स जो मेरा है वो जीरो है। केस फर्स्ट क्या लेट कर लिया हमने, केस फर्स्ट मान लो क्या लेट कर लिया हमने कि एक्स इक्वल टू क्या मेरा जीरो। देन अगर एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ कि रूट एक्स भी मेरा क्या होगा, जीरो होगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर एक्स जीरो है सच दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सन किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। सो इम्प्लाइज दैट कि एक्सन मॉड ऑफ एक्सन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर ले लें, और चाहे एप्सिलॉन ले कोई दिक्कत हो नहीं, एप्सिलॉन स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है। और फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, सो इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ से आएगा क्या, अब एक्शन मेरा पॉजिटिव है बेटा तो इसको मैं एक्शन बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर? और यहाँ पे अगर हम रूट ले लें तो रूट एक्शन आ सकता है, एप्सिलॉन आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि पॉजिटिव है ये मेरा। इससे मतलब हुआ रूट एक्शन का मॉडल लें यहाँ पे ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? बताओ। ज़्यादा समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये है तो रूट एक्स एन भी मेरा अप्रोच करेगा किसको, जीरो। न्यूटन जो इसकी लिए कन्वर्जेंस पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। एक्स एन अगर समझो यहाँ पर एक्स एन अगर मेरा जीरो को कन्वर्ज कर रहा है तो रूट एक्स एन भी किसको कन्वर्ज कर गया, जीरो पर। ये तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर कि दिक्कत है, नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर टू की बात कर लेते हैं। अब केस नंबर टू में हमने लेट कर लिया कि एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्स जीरो नहीं, एक्स जीरो से बड़ा है। देन रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स भी जीरो से बड़ा होगा ऑफ कोर्स। ठीक है। नाउ अब एक्सन किसको अप्रोच करेगा, एक्स को मान लो अप्रोच कर रहा है। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो इम्प्लाइज दैट एक्सन माइनस एक्स। ठीक है। एक्सन माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ठीक है। नाउ ठीक है, हेयर ठीक है, सो ऐसा लगा लो, सो यहाँ पे नाउ। अब तो यहाँ तक समझ में आई नहीं आया, ये तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? तो अब मैं अपने आप को, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि रूट एक्स एन किसको कन्वर्ज कर जाए, एक्स को। वी वॉन्ट टू शो दैट रूट एक्स एन किसको कन्वर्ज कर जाए, रूट एक्स को। तो ये कैसे हो पाएगा, अगर ये रूट एक्शन रूट एक्स को अप्रोच करना चाहता है तो तभी हो सकता है जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। अगर ऐसा हो जाए तभी हम मान सकते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, है ना? देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट दिस, ठीक ना? तो ये बेटा होना चाहिए, हम पूरी बात नहीं लिखते, हम इतने में काम कर देते हैं, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट मॉड ऑफ रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। बात समझ आई नहीं आया? तुम्हें ये लिखना पड़ता है, तो ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे सर, उसको ध्यान दीजिए। पहले यहाँ तक समझ में आया या नहीं ये बताना, ये हमारे पास रूट एक्स एन माइनस रूट ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये मुझे एल लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि रूट एक्स एन माइनस एक्स और रूट एक्स एन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स एन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर हम इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी रूट एक्स था ये, क्या था, रूट एक्स था, रूट एक्स था, तो ये एक्स आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट एक्स एन और प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। कोई डाउट हो बताओ, पक्का कि डाउट है? नहीं डाउट है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम उठाते हैं इसको, तो ये क्या है बेटा, तो ये हो जाएगा देखना। तो अगर मैं बात करूं, ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, ये मॉडल लगा हुआ है ऐसे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ध्यान दो, रूट एक्स एन प्लस रूट एक्स, ये जो बड़ी होगी वैल्यू किससे, रूट एक्स से। यस या नो, पक्का ये जो वैल्यू इससे बड़ी होगी, नहीं होगी, होगी। और अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये लेस हो जाएगा वन अपॉन रूट एक्स और मॉड ऑफ, अच्छा क्योंकि ये पॉजिटिव है रूट एक्स तो उस पर मॉड का कोई असर तो रहेगा नहीं, तो इसलिए मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत?
अगर हम यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन हमने चॉइस किया, अगर यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन चॉइस कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, ये कोई एक वैल्यू चॉइस, इसको एप्सिलॉन डैश चॉइस कर लो, क्या कर लो एप्सिलॉन डैश, तो यहाँ एप्सिलॉन डैश हमने चॉइस कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये जो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू है हम ये लेट कर लें, क्या लेट कर लें कि मान लीजिए एप्सिलॉन डैश जो हमारे पास है वो हो जाए एप्सिलॉन अपॉन सॉरी एप्सिलॉन रूट एक्स, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना बेटा, लेट से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा एप्सिलॉन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अच्छा ये कोई एक सिक्वेंस तो है नहीं, ये एक कन्वर्ज पॉइंट है, दैट मीन्स ये वैल्यू है, कोई कोई एक रियल वैल्यू आएगी, कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगी, नेगेटिव वो भी नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई ये पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगी और इसमें ये सिक्वेंस है, तो इसका मतलब हम इसको लेस देन एप्सिलॉन बोल सकते हैं या नहीं, ये पहले बताओ, कन्फर्म बोल सकते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, कन्फर्म, इसका मतलब ये जो वैल्यू हुआ लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन हो गया, सो इम्प्लाइज दैट वी कैन से कि रूट एक्स एन कन्वर्ज टू रूट एक्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देंगे। पहला चीज हमें इसमें ये दे दिया जाएगा, क्लियर कर लिया हमने, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है x को एंड वाई एन कन्वर्ज कर रहा है y को, दो हमारे पास सिक्वेंस होंगे एक्स एन और वाई एन, ठीक है रियल सिक्वेंस है, तो जो x है एक्स एन है वो x को कन्वर्ज कर रहा है और जो वाई एन है वो y को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। देन पहला नंबर लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्ज टू एक्स प्लस वाई, समझे नहीं समझे, जो एक्स एन प्लस वाई एन है किसको कन्वर्ज कर जाए, एक्स प्लस वाई को कन्वर्ज कर जाए, ये हमें शो करना है, समझे। तो ये देखते हैं क्या होगा, पहले हम समझते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को, इसका मतलब एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, मतलब क्या हुआ, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, इसको मान लो एप्सिलॉन बाई टू मान लो, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट वन मान लो, ठीक है, या फिर इसको एन नॉट वन ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये ले लिया मैंने। और दूसरा अगर दे रहा है तो इसको क्या ले लेंगे, एंड दूसरे के लिए क्या होगा, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है किसको, वाई को, इसके लिए क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से, तो मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट टू, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ एन नॉट के आगे सारे वैल्यू क्या हैं, कन्वर्जेंट है, एन नॉट के आगे जो भी लोगे सब सिक्वेंस के नेबरहुड में आएगा, तो यहाँ पे एन नॉट टू के आगे जितने भी सिक्वेंस में भाई इसके जितने भी आगे आप लोगे वैल्यू सब उसके नेबरहुड में आएगा, तो हमें क्या उठाना है, मैक्सिमम उठाओगे तो हम भी उठाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, एन मैक्सिमम एन नॉट चॉइस करेंगे जो कि किसके बीच का होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगा एन नॉट वन एंड एन नॉट टू का मैक्सिमम होगा, कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया, तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको हम एन नॉट नाम देंगे और वही हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, कहानी क्लियर है, ठीक है, तो सो इम्प्लाइज दैट, समझो मेरी बात को, ये हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं, तो हमें इसको क्या लेकर चलना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये सर x प्लस वाई जो है ये क्या हो जाए लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, हमें ये तो दिखाना पड़ेगा ना, तो ये तुम्हें पूरी कोशिश करने की लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो कैसे लेस देन एप्सिलॉन होगा ध्यान दीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और प्लस वाई एन माइनस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और प्लस मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई, बात समझे, और ये किससे लेस है, ये एप्सिलॉन बाई टू से है, ये भी किससे, एप्सिलॉन बाई टू से, तो लेस हो जाएगा एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू जो कि इक्वल टू क्या दे देगा एप्सिलॉन, और फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, ये एन नॉट क्या आएगा, एन नॉट इन दोनों का क्या होगा मैक्सिमम होगा, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, तो हमने यह सीखा कि एक्स एन प्लस वन सॉरी एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्ज करेगा किसको, एक्स प्लस वाई को कन्वर्ज करेगा, तो मेरा प्रश्न ये है
क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? उल्टा मतलब समझो, कोई एक्स एन प्लस वाई एन ऐसा है जो एक्स प्लस वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, कोई एक्स एन प्लस वाई एन ऐसा है जो एक्स प्लस वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या वो अलग अलग एक्स एन और वी कन्वर्ज करेगा एक्स को, वाई एन कन्वर्ज करेगा वाई को, क्या ऐसा ट्रू होगा? अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल दो, अगर होगा तो प्रूफ करो, मतलब इसका क्या कन्वर्स पास्ट ट्रू है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। अगर नहीं है ट्रू तो क्या दो, एग्जाम्पल दो। नहीं समझ नहीं बात मेरी। हम दें एग्जांपल, चलो मानते हैं, अरे नहीं होगा, कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू है ना। देखते हैं कैसे, हमने लेट कर लिया एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन एंड वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन प्लस वन, बस मुन्ना एक्स एन क्या कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंट है नहीं है, वाई एन क्या कन्वर्जेंट है नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, बस समझो अगर मैं इन दोनों के सम की बात करता हूँ, एक्स एन प्लस वाई एन की बात करता हूँ, तो बताओ एक्स एन प्लस वाई एन क्या मिलेगा, जीरो। भाई ये क्या है, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है, ये क्या है प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, क्या निकले नहीं क्लियर, एंड सो ऑन, और जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। और इसका मतलब हुआ कि एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, जीरो में, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो में, बट ना तो एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है ना तो वाई एन कन्वर्ज कर रहा है, तो ये एक से फेल हुआ, इसका मतलब ये कन्वर्ज पास्ट ट्रू नहीं है, कन्फर्म, ये डाउट है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, रब कर दो मिटाइए में, ना जैसे मान लो कोई सीक्वेंस लिखा वन प्लस माइनस वन की पावर एन बाई एन, ठीक है, ये पहला एक्स एन मान लो, ये मान लो वाई एन, दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं, एक्स एन में किसको कन्वर्ज कर रहा है वन को, वाई एन किसको कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, ये वन को ये जीरो को, तो एक्स एन मिला मुझे वन, बात समझो y n मुझे मिला माइनस वन की पावर n बाई एन, हमने देखा x n कन्वर्ज कर रहा है 1 को और y n कन्वर्ज कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तो इनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, 1 प्लस जीरो मतलब जी सॉरी 1 प्लस जीरो मतलब 1, तो ये 1 को कन्वर्ज करेगा, नहीं समझे क्या बात है आगे, तो ये ऐसे नियम को इस्तेमाल करेंगे, ये हमने इजी क्वेश्चन में इसलिए बताया कि ताकि तुम समझ पाओ कि इसको कैसे, वैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे एग्जांपल जैसे हमने ले लिया माइनस वन की पावर एन अपॉन एन एन ले लिया, और प्लस ले लिया हमने यहाँ एन अपॉन टू एन प्लस थ्री, जैसे ले लिया, ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, ये मान लो एक्स एन, तो एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, ये मान लिया वाई एन, वाई एन किसको कन्वर्ज कर रहा है वन बाई टू को, ठीक है, जीरो को ये वन बाई टू को, ठीक है, तो एक्स एन प्लस वाई एन किसको कन्वर्ज करेगा वन बाई टू को, अब बल्लो समझ आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, डाउट नहीं है, ठीक है, एक दो एग्जांपल लिख लो ताकि समझ में आते रहे क्वेश्चन, और भी एग्जांपल बहुत सारे सेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। नेक्स्ट सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने बोला किसी एक्शन है, कोई एक्शन मान लो है, ठीक है, उसमें अगर हमने सी से गुणा करा दिया, सी से
गुणा करा दिया, सेम चलो यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, वैसे कोई रियल नंबर ले सकते हो लेकिन हम यहाँ पे के ले रहे हैं पॉजिटिव ले सकते हैं। तो अगर एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पर और सी मेरा पॉजिटिव है और मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरा जो सी एक्स एन बनेगा वो किसको कन्वर्ज करेगा, सी एक्स को। बात समझे नहीं समझे ना कि ना, ठीक है। हम दूसरा नियम बताने वाले थे, हम ये भी बता दिए तुम्हें, चलो ये तुम इसको याद रखो, ठीक है। हम एक पॉइंट लेने वाले हैं, क्या वो ध्यान दो, एक पॉइंट लेने वाले हैं, वो क्या है, मैं एक पॉइंट लेने वाला हूँ कि अगर किन्हीं दो सीक्वेंस का अगर हम सेपरेट कर देते हैं, वो सीक्वेंस हमेशा भी मैंने बताया, वो सीक्वेंस कैसे, मेरे पास एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को, तो एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्ज करेगा किसको, एक्स माइनस वाई को, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट देन की बात कर रहा हूँ, बात समझ में आई नहीं आई, पहला। दूसरा एडिशन तो बता ही दिया, पहला एडिशन था, एडिशन क्या बताया था, एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्ज करेगा किसको, एक्स प्लस वाई को। दूसरा क्या है, एक्स एन माइनस वाई एन किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स माइनस वाई को। और तीसरा क्या है, एक्स एन इंटू वाई एन किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स वाई को। और चौथा क्या है, एक्स एन अपॉन वाई एन कन्वर्ज करेगा एक्स अपॉन वाई को, बट वाई एन डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई भी डज नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए, जीरो। बात समझे समझे ये, तो तभी इसको ये कन्वर्ट करेगा। कहानी क्लियर हो गई, अरे कहानी क्लियर हो गई, इंस्पिरेटेड क्वेश्चन कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसको करो, पहले बताएं, इनके कन्वर्स को पटरी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। हमने देखा किसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वैसे सभी का कन्वर्स क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। तो मुझे एक एक एग्जांपल सभी का बताओ जिसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, दूसरे के लिए कन्वर्स पार्ट का एग्जांपल बताओ। सोचो कोई जो मिले, है कोई एग्जांपल, कन्वर्स ट्रू करना है, सबट्रैक्ट करने की बात है, वन अपॉन में माइनस वन की पावर एन, देख लो। पहली बात तो एक्स माइनस वाई एन ही कन्वर्जेंट नहीं है, वो कन्वर्जेंट रहे बट एक्स एन वाई एन कन्वर्जेंट ना रहे, ये हुआ कन्वर्स। एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेंट रहे बट एक्स एन वाई एन कन्वर्जेंट ना रहे, अरे यार जो लिया था अभी वही ले लो ना, ले लो भाई। एक्स एन में क्या लिया था मैंने, माइनस वन की पावर एन लिया था, वाई एन मैंने क्या लिया था, माइनस वन की पावर एन प्लस वन लिया था मैंने, ठीक है। अगर एक बार इन दोनों घटाओ, जोड़ा था तो जीरो आया था, घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स एन माइनस वाई एन करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस टू आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक्स एन माइनस वाई एन किसको कन्वर्ज करेगा, माइनस टू को कन्वर्ज करेगा। क्या एक्स एन कन्वर्जेंट है, क्या वाई एन कन्वर्जेंट है, नहीं है, बट एक्स एन माइनस वाई एन क्या है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, अगर ये कन्वर्जेंट हो तो वो भी कन्वर्जेंट होने चाहिए, क्या ऐसा जरूरी है, नहीं है। ये सामने देखा, इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा, ऐसा जरूरी नहीं है, चलो ठीक है। अगला उठाओ, इसके लिए कोई एग्जाम्पल सोचो, अब बोलो ये कहाँ से मिलेगा सर, फिर एग्जाम्पल ले लो, ये ले लो, नहीं हो सकता क्या, मल्टीप्लाई करा के देखो, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस वन माइनस वन माइनस वन मिल जाएगा, माइनस वन मिल जाएगा, कन्वर्जेंट है लेकिन अलग कन्वर्जेंट नहीं है, डिवाइड करा के देखो वो भी मिल जाएगा, कर लोगे नहीं कर लोगे, आई थिंक ये सुटेबल है सभी के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सभी के लिए क्या ये सुटेबल है, ये एग्जांपल ऐसा है कि ऐड के लिए भी सुटेबल है, सब्ट्रैक्ट के लिए भी सुटेबल है, मल्टीप्लाई के लिए कन्वर्स पार्ट में सुटेबल है और डिवाइड के लिए भी सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें कोई डाउट, मतलब ये कन्वर्ज हो बट ये कन्वर्जन ना हो, ये कन्वर्ज हो गया ना, अगर वो भी कन्वर्जन हो गया तो कन्वर्ज ट्रू हो जाएगा, अगर कन्वर्जन ना हुआ वो तो कन्वर्ज ट्रू नहीं है, और ये तो कन्वर्ज ट्रू नहीं है इसलिए मुझे एग्जांपल देना पड़ा, नहीं समझे क्या बात आ गई। अब उसके बाद एक आता है सैंडविच थ्योरम, क्या आता है सैंडविच थ्योरम, और सैंडविच थ्योरम कहता क्या है वो देखो, रब कर दूं मैं ये,
सैंडविच थ्योरम। सैंडविच नाम से पता चला होगा, सैंडविच का काम मतलब दो के बीच में एक लेयर दबाई जाए उसको सैंडविच कहते हैं, एक इधर लेयर एक इधर, बीच में को दबा दिया जाए, दबा के रख दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं सैंडविच। तो सैंडविच थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमने क्या किया, दो सीक्वेंस ले लिए xn और yn, दो सीक्वेंस ले लिए ठीक है, और इन सीक्वेंस के बीच में एक तीसरा सीक्वेंस ले लिया हमने zn ले लिया। क्या ले लिया, zn ठीक है। तो कह रहा है कि तीन सीक्वेंस हैं ठीक है, जो कि इस पैटर्न में है, इस इक्वालिटी में रखे हुए हैं, बात समझे। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों जिस लिमिट पर कन्वर्ज करेंगे, ये दोनों सेम लिमिट होनी चाहिए दोनों की, अगर ये दोनों जिस लिमिट पर सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेंगे उसी पर ये हमारा क्या होगा zn कन्वर्ज करेगा, ये थ्योरम कहता है। नहीं समझने के बाद, मतलब ये कहता है कि xn कन्वर्ज टू l एंड yn कन्वर्ज टू l, सो इम्प्लाइज दैट zn भी कन्वर्ज करेगा l पर, ये कहता है। अगर वो इस इनक्वालिटी में है तो अगर ऐसा कर दिया तो हम कहेंगे कि सैंडविच थ्योरम हो गया सेटिस्फाइड। नहीं समझने के बाद आ गई। अब इस पर एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मैं थ्योरम प्रूव नहीं करूंगा लेकिन एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए 2n plus 1 by n ले लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कि अगर सीधे लगाओगे तो ये सीधे लग जाएगा। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो ये है कि 2 by n plus 1 by n लिखा मैंने, सॉरी 2 plus 1 by n लिखा, बात समझो ये लिखा। तो हम जानते हैं 2 है xn मान लो, ये है मान लो yn, ये हो गया xn, ये हो गया yn। अब ये कन्वर्ज कर रहा है 2 पर और ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, तो xn plus yn किस पे कन्वर्ज करेगा, दोनों के सम पर, तो 2 plus 0 को मिला के क्या आया 2 आया। चलो सैंडविच देखते हैं। जैसे हमने ले लिया साइन n अपॉन n ले लिया, साइन n अपॉन n ले लिया, तो इसमें क्या होगा हम जानते हैं। देखो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि जो साइन n होता है वो बिटवीन होता है माइनस वन और प्लस वन से ठीक है। अगर वन बाई एन करेंगे तो इनक्वालिटी होल्ड हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। ये इनक्वालिटी होल्ड हुआ क्या, ये इस फॉर्म में है, है। तो जो ये जिस पर कन्वर्ज करेगा, ये जिस पर कन्वर्ज करेगा उसी पे ये भी कन्वर्ज करेगा, ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ये किस पे कन्वर्ज करेगा, सीधे ही कन्वर्ज करेगा जीरो की ओर। नहीं बात समझ में क्या आ गई, इस तरीके से पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन सिक्वेंस मैंने लिख दिया, समझ में आ रही बेटा, सेकंड में लिख दिया वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस टू, प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस थ्री, बात समझ में आ रही ना, प्लस एंड सो ऑन वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन, ये सीक्वेंस दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करो पहले इसको, हम किससे लेस करते हैं बताओ, समझो। जैसे ये वैल्यू सारी हैं तो अगर हम सभी को लिख दें वन प्लस वन अपॉन ऐसे वन प्लस वन, वन प्लस वन ऐसे सब कर दें, तो ये वैल्यू जो आएगी ये इससे छोटी होगी या इससे बड़ी होगी, पहले ये सोचो। ये जो आंसर आएगा जोड़ करने पर वो इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, इधर डिनोमिनेटर बढ़ रहा था ना, ये छोटा होगा, क्या होगा छोटा, ये होगा छोटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको जोड़ोगे तो क्या है वन टू थ्री फोर, कितने बार है, एन टाइम है, तो एन टाइम अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, मैं ये बोल रहा था। और इस तरह सबसे बड़ी के नहीं, एन एन को रिप्लेस कर दिया जाए, एन से रिप्लेस कर दिया, एन से रिप्लेस कर दिया, एन से रिप्लेस कर दिया, अब ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। ये कन्वर्ज करेगा किसको, वन को, करके देखो वन को कन्वर्ज करेगा ना, और ये किसको कन्वर्ज करेगा, ये भी वन को कन्वर्ज करेगा। अगर ये दोनों सेम लिमिट में कन्वर्ज करें तो भी किसको करेगा, वन को कन्वर्ज करेगा, कर हो गया। देखो कैसे, ये छोटा रहेगा एन अपॉन अंडर रूट टू एन स्क्वायर प्लस वन से, और ये लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है ये लिख देंगे इसको, चलो एक्सन नाम दे दो तो एक्सन लिख देंगे, क्लियर ना, क्लियर। और ये छोटा हो जाएगा किससे, एन अपॉन अंडर रूट टू एन स्क्वायर प्लस एन से, इसमें क्या देगा वन बाई रूट टू, इसमें क्या देगा वन अपॉन वन बाई रूट टू, रूट टू भैया एन स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो ये एन बचेगा इधर, इधर वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, एन से एन खत्म हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा वन बाई रूट टू ही तो आएगा, इसमें करके देखो वन अपॉन रूट टू आएगा। अगर ये दोनों वन बाई रूट टू आ रहे तो किसको कन्वर्ज करेगा,
वन बाई रूट टू कन्वर्ज करेगा। कोई डाउट हो बताओ, अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम भी डिस्कस कर लिया, राइट। अच्छा, सैंडविच थ्योरम में बहुत सारी बातें हमने सीखी, सैंडविच थ्योरम से हम लोग काम कर रहे चुके हैं, फिर भी हमें सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस दे दिया हमारा वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, क्या दे दिया, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ये दे दिया। ठीक है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है बाई सैंडविच थ्योरम, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन जो लिखा है ये पक्की बात है लेस देन आर इक्वल टू होगा, लेस देन होगा वन बाई एन स्क्वायर से, और ग्रेटर होगा किससे, जीरो से, जीरो से पक्का है बड़ा होगा, जीरो से पक्का बड़ा होगा हर एक एन के वैल्यू के लिए, तुम किस भी रख लो, वन बाई एन स्क्वायर से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो ये कन्वर्स किसको कर रहा है, ये तो ऑलरेडी जीरो को से, ये मान लो ये सीक्वेंस हो गया, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हो गया, जीरो कन्वर्स करेगा, ये भी किसको कन्वर्स करेगा, जीरो कन्वर्स करेगा, तो श्योर है कि ये वाला कन्वर्स किसको करेगा, जीरो कन्वर्स करेगा, यही कहता है हमारा सैंडविच थ्योरम। बात समझ आया कि नहीं आया, डाउट है, आ गया, ठीक है, तो ये हमने सीखा इसमें। ठीक है, अब हमारे पास एक बात आएगी रेशियो टेस्ट में, आएगा सीक्वेंस में कैसे, हमारे पास मान लो कोई सीक्वेंस एक्शन है, बी आर रियल सीक्वेंस, बी आर रियल सीक्वेंस, ठीक है, और अगर आप इसमें एक्शन प्लस वन अपॉन एक्शन निकालते हो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पर, और ये मान लो एल आया, क्या आ गया एल, तो अगर ये लेस देन वन होता है, क्या होता है लेस देन वन होता है, तो पक्का माना जाएगा कि एक्शन जो होगा वो अप्रोच करेगा किधर, जीरो की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है, और वो कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा वो कन्वर्जेंट होगा, पहली बात तो एक्स मेरा कन्वर्जेंट होगा, वो साथ में किसको अप्रोच करेगा, जीरो की ओर अप्रोच करेगा, ये मुझे कन्फर्म हो जाएगा 100%। जैसे एक क्वेश्चन इसमें छोटा सा तुम्हारे सामने लेते हैं, और सपोज कर लीजिए हमने ले लिया एक्शन इज इक्वल टू टू की पावर एन अपॉन एन ले लिया, एक्शन इज इक्वल टू टू की पावर एन अपॉन एन। अब ये मान लो ऐसे टफ लगेगा कि सर ये कैसे लगेगा, तो मैं उसके लिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप क्या करिए, एक्शन प्लस वन लीजिए, क्या बन जाएगा, टू की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, कोई डाउट मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूँ कि आप क्या कर लीजिए कि लिमिट एक्स अप्रोच एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है ना, और एक्शन प्लस वन अपॉन एक्शन कर लेंगे आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से तो आपको मिल जाता है टू की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये हो जाता है बेटा आपको एन अपॉन टू की पावर एन, और अगर कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टू इंटू एन अपॉन एन प्लस वन, इसको करेंगे तो क्या होगा, टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन, राइट, ये हो गया। अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट लिमिट लिमिट, तो क्या मिल जाएगा आपको, हाँ लिमिट अप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, टू, और टू इज ग्रेटर देन वन, टू इज ग्रेटर देन वन, तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, हाँ नहीं होगा, टू इज लेस देन वन, अगर सॉरी ये अगर जो एल आते वो लेस देन वन होता तो ये कन्वर्जेंट मेरा माना जाता है, ऐसे ये माना नहीं जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, सपोज करो यही क्वेश्चन मैं ऐसे तुम्हें दे देता, ये तो समझ में आ गया डाइवर्जेंट है, क्या है ये डाइवर्जेंट, एक्शन इज इक्वल टू एन अपॉन टू पावर एन मान लो तुम्हें दे देता मैं, ठीक है। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं क्या करता, एक्शन प्लस वन, ठीक है, एक्शन प्लस वन निकालता, तो एन प्लस वन अपॉन टू पावर एन प्लस वन आता, और अगर मैं इसको डिवाइड करा के लिमिट लगा देता तो वन बाई टू आ जाता, वन बाई टू क्या होता, लेस देन वन होता, तो पक्की बात है क्या हो जाता, कन्वर्जेंट हो जाता, और इसको कहाँ कन्वर्ट करता है, ये जीरो की ओर कन्वर्ट करता, किधर कन्वर्ट करता, जीरो की ओर कन्वर्ट करता। बोलो समझ आया, कोई दिक्कत, ठीक है, और जैसे हमें अगला शो करना है टू की पावर एन, चलो इसको लगा के देखो, टू की पावर एन क्या करेंगे, टू की पावर एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन कर देंगे, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू इज नॉट ग्रेटर देन लेस देन वन, इसलिए क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। चलो लगाओ इसको, इसी रेशियो टेस्ट लगाओ, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा ना,
हो गया। तो रेशियो टेस्ट भी आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, आराम से लगाएंगे रेशियो टेस्ट। और अगर रेशियो टेस्ट लग रहा है तो डेफिनेशन लगाने की क्या जरूरत है, रेशियो टेस्ट लगा लीजिए। रेशियो टेस्ट या सैंडविच थ्योरम, इन दोनों से भाई क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं सॉल्व कर लीजिए, लेकिन सारे क्वेश्चन अभी सैंडविच थ्योरम और रेशियो टेस्ट से सॉल्व नहीं होंगे। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सैंडविच से भी हमें सॉल्व नहीं होगा और रेशियो से भी हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, तो फिर और भी टेस्ट देखेंगे, ठीक है, और भी नियम देखेंगे, उनको भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम रेशियो टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया, राइट, ये हो गया। एक सीक्वेंस हमारे पास आ गया अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी एक्शन को, है ना, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन और प्लस अंडर रूट एन, बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में बताओ बड़ा कौन है, हाँ, अंडर रूट एन बड़ा है कि अंडर रूट एन प्लस वन बड़ा है, अरे अंडर रूट एन प्लस वन बड़ा है ना, तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ वन अपॉइंट टू अंडर रूट एन प्लस वन छोटा हो जाएगा ये, और इसको कर दूँ अगर मैं, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्या दिक्कत है बताओ, कोई भी एन की वैल्यू चॉइस करके देखो, ये इनक्वालिटी होल्ड करती नहीं करती, तुम ये पहले सोचो, ऐसे अंडर रूट एन प्लस वन और प्लस अंडर रूट एन है, ठीक है, ये लेस होगा किससे, अंडर रूट एन प्लस वन से, बोलो सुन में आया कि नहीं आया, अब ये तो लेस होगा ना, पक्की बात है, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन इज ग्रेटर देन वन अपॉन रूट एन प्लस वन, है अब तो ठीक है, कभी डाउट है, क्लियर है। अच्छा बताओ इन दोनों में ये ग्रेटर था या ये ग्रेटर था, ये वाला होगा, तो क्लियर कैसे हो गया फिर तुम्हें, बात समझो, जब ये बड़ा होगा तो ये क्लियर कैसे हो गया, पॉइंट को पकड़ा करो, पॉइंट को पकड़ा करो तभी मज़ा आएगा। यहाँ पे ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, इनक्वालिटी गड़बड़ कर रही तुम्हारी, है ना, ये बड़ा होगा इसलिए हम यहाँ पे ये ग्रेटर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और हमें अगर लगाना है क्या, हमें अगर लगाना है क्या, बोलो, हमें लगाना है अपना, मान लो हमें यहाँ पर वो लगाना है सैंडविच थ्योरम, तो कैसे लगाएंगे, एक तो हमें मिल गया इधर, तो एक हमें इधर भी ढूंढना पड़ेगा, तो इससे छोटा, इससे छोटा हमें और क्या ढूंढ सकते हैं, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो, डिनोमिनेटर क्या कर दो, बड़ा कर दो, इसका डिनोमिनेटर हम बड़ा कर देंगे तो छोटा मिल जाएगा, तो कितना बड़ा कर दें, तो हमने कर दिया टू, अरे टू लगा दो, थ्री लगा दो, ठीक ना, तो टू अंडर रूट एन प्लस, एन प्लस वन नहीं, एन ही रख लो, जितना बड़ा उतना छोटा होगा, कोई दिक्कत बताओ, इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, बात समझ नहीं समझे, पक्का, ठीक है, और चाहो तो प्लस वन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ये समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया। अब ये अप्रोच किसको करेगा, जीरो को, ये अप्रोच किसको करेगा, जीरो को, है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पक्का, तो ये भी किसको करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। एक तो ये तरीका है सिंपल, एक तरीका सीधे लिमिट लगा लो, सीधे जीरो दिखा दो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो इसको।
बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलो मैं एक क्वेश्चन इस तरह दे रहा हूँ, आप जरूरी नहीं क्वालिटी इस्तेमाल करो, आप सीधे क्वेश्चन को कर सकते हो, आप सीधे क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है। और माइनस टू एन ये सीक्वेंस है, इसको सॉल्व करो। आपने इसको एक्सएन ले लिया, एक्सएन इज इक्वल टू हमने ले लिया अंडर रूट फोर एन स्क्वायर प्लस एन ले लिया, और माइनस यहाँ पे मेरे पास टू एन है। आप क्या करेंगे, फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन अपॉन अंडर रूट फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन ले लिया आपने, कराए मल्टीप्लाई, फोर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस फोर एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन। बोलो कहानी क्लियर है, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या जाएगा, एन अपॉन अंडर रूट फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन, सीधे लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट। अब एन अपॉन इसमें क्या करते हैं, फोर एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टू एन बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा इधर, वन प्लस वन अपॉन फोर एन, और इधर प्लस वन हो जाएगा, एन सेन खत्म हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा जीरो, तो जीरो होगा तो इधर बचेगा वन, इधर बचेगा वन, वन वन कितने हो जाएंगे, टू, टू टू कितने हो जाएंगे, फोर, कितना आ जाएगा, वन बाई फोर। नहीं समझ क्या बात, आई नहीं आई, आ गई, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ाया उसको सब इस्तेमाल करो इसमें, ठीक है, और देखो क्या क्या हो सकता है। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उसमें यह है कि जो जीरो से बड़ा बी से छोटा ऐसे कंडीशन में है, ठीक है, और लिमिट फाइंड करनी है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, आपको फाइंड करना है, बताओ क्या होगा। बहुत टाइम ले लेते हो, चलो ध्यान दो। अच्छा लिमिट इसमें क्या करेंगे, बी की पावर एन प्लस वन कॉमन ले लेंगे, तो बी पावर एन प्लस वन हो जाएगा, इधर ए की पावर एन प्लस वन अपॉन बी पावर एन प्लस वन, दैट मीन्स ए हो जाएगा, और प्लस वन अपॉन ए की पावर, इधर बी पावर एन कॉमन ले लेंगे, इधर ए की पावर एन अपॉन बी पावर एन हो जाएगा प्लस वन, बी पावर एन से बी पावर एन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट बी आ जाएगा, समझो ये तो बी आ गया, एक तो बचा ना, बी बचा, और जब मैं इसमें अप्लाई करूँगा ये हो जाएगा जीरो में, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन, नीचे वाला ज़्यादा तेज, बी बड़ा है ना तो नीचे वाला ज़्यादा तेज भागेगा, इसका मतलब कहाँ जाएगा, ये जीरो की ओर जाएगा, इसका मतलब ये जीरो की ओर जाएगा, ये भी जीरो की ओर जाएगा, ये भी जीरो की ओर जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन वन कुमला के वन, और कुमला के आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी बेटा, आंसर आएगा बी, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस फाइव एन माइनस एन, चलो इसको करो, एक्शन बराबर लिमिट फाइंड करनी है, करिए, तो करना क्या है, ध्यान दो, लिमिट एक्स एन इक्वल टू लिमिट अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस फाइव एन माइनस एन, सीधे मैं इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस फाइव एन और प्लस एन हो जाएगा, एन स्क्वायर स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट इधर बचेगा फाइव एन अपॉन इधर ले लेंगे एन कॉमन, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी तो आएगा एन बाहर, है ना, इधर क्या हो जाएगा फाइव बाई एन हो जाएगा, और प्लस यहाँ वन हो जाएगा, एन से एन खत्म हो जाएगा, अप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, फाइव बाई टू आपका आंसर आ जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, पक्का, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, इधर वन बचेगा प्लस वन हो जाएगा, वन वन टू हो जाएगा, ऊपर फाइव बचेगा, तो फाइव बाई टू आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कर लोगे ना इसको, ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आराम से करते चलिए, एक से एक है ना,
अब अगला क्वेश्चन, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो मुझे सो करना है सो दैट अंडर रूट एन प्लस ए एन प्लस बी, सो क्या करना है वैल्यू निकालनी, लिमिट लगा दो इधर, ठीक है, एन प्लस ए एन प्लस बी माइनस एन माइनस एन, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, चलो बताओ क्या होगा, ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल है, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ए और बी पॉजिटिव, इससे कोई दिक्कत है नहीं, तो अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे लिमिट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा लिमिट एन प्लस ए एन प्लस बी, ठीक है, और माइनस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन प्लस ए एन प्लस बी और माइनस प्लस हो जाएगा एन, है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस ए बी, और एन स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूँ सीधे ना बेटा, ये आ जाएगा, और आपका इधर बन जाएगा क्या, इधर बन जाएगा आपके पास एन इधर कॉमन एन इधर, तो एन स्क्वायर मतलब एन बाहर कर लो, तो जाएगा क्या बचेगा आपका, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस ए अपॉन एन वन प्लस बी अपॉन एन और प्लस वन, यहाँ तक समझ में आ गई, एन से एन कैंसिल कर देंगे इधर अपॉन में एन आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इधर बचेगा ए प्लस बी बचेगा, इधर हो जाएगा जीरो, ये जीरो मतलब वन वन बचा, वन प्लस वन करेंगे कितना हो जाएगा टू, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, जैसे हमारे पास आ गया एन की पावर वन अपॉन एन स्क्वायर, जरा इसके बारे में बताओ क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होगी, चलो ध्यान दो, इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो हम लगाएंगे सैंडविच थ्योरम, इसकी विजी थ्योरम है ना, ये जो होगा ये किससे लेस होगा, ये लेस होगा एन की पावर वन बाई एन से, और ये किससे बड़ा होगा, वन से पक्का बड़ा होगा, कोई भी तुम वैल्यू रखो तो वन से बड़ा होगा तो वन के बराबर होगा, बात समझ में आ गई, तो ये वन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ये सीक्वेंस है एक्चुअली में, सारे क्या है सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस, ये भी क्या एक सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर रहा है किसको वन को, ये कन्वर्ज कर रहा है किसको वन को, याद रखो हमेशा कि लिमिट एन की पावर वन बाई एन स्क्वायर कितना होता है वन, तो ये भी कन्वर्ज कर रहा है वन को, ये भी कन्वर्ज कर रहा है वन को, बताओ ये किसको कन्वर्ज करेगा, तो लिमिट बाई सैंडविच थ्योरम एन की पावर वन बाई एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वन होगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया आ गया, चलो इसको बताओ एन फैक्टोरियल का होल पावर वन बाई एन स्क्वायर, चलो इसको बोलो एन फैक्टोरियल का होल पावर वन बाई एन स्क्वायर, जरा इसका सोचो, एक मैंने इक्वालिटी याद हो तो लिखवाई थी, एक इक्वालिटी मैंने क्या लिखवाई थी, वन से तो बड़ा होगा स्वाभाविक है कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन एक मैंने इक्वालिटी लिखवाई थी क्या, कि एन फैक्टोरियल जो होता है लेस आर इक्वल टू एन की पावर एन होता है लिखवाया था मैंने, ठीक है याद रखो, तो ये ऐसा होता है, बस समझे, एन पावर एन से छोटा या बराबर होगा, तुम करके देख लो, एन बराबर वन रखो, एन बराबर टू रखो, एन बराबर थ्री रखो, एन बराबर फोर रख के देख लो, थ्री रख के देखो, थ्री टू जा सिक्स मिलेगा, यहाँ पे थ्री पावर थ्री 27, ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, और ये हमेशा वन से बड़ा है तो वन के बराबर होगा, अब मुझे क्या करना है वन बाई एन स्क्वायर कर देना है, और वन की पावर बात समझो, तो पहले हम इससे नहीं पहले हम इससे जोड़ते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो पता ही है, अब इसकी पहले हम बात समझते हैं, वन बाई एन स्क्वायर वन बाई एन स्क्वायर, इधर भी वन बाई एन स्क्वायर करेंगे, है ना, तो एक्चुअल में क्या मुझे मिल जाएगा, तो एन फैक्टोरियल का होल पावर वन बाई एन स्क्वायर और लेस देन आर इक्वल टू एन की पावर कितना हो जाएगा वन बाई एन, ठीक है, अच्छा, और ये जो वैल्यू होगी पक्की है वन से बड़ी और वन से लेस होगी, सॉरी वन से बड़ी होगी तो वन के इक्वल होगी, है ना, और अगर ये कन्वर्ज कर रहा है वन को और ये कन्वर्ज कर रहा है वन को, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा वन को कन्वर्ज करेगा, पक्की बात, समझ आई नहीं आया, पहले बताओ, कर लो इसको,
रब कर दिया जाए। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जेड एन इज इक्वल टू, तुम्हें दिया गया है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का होल पावर वन बाई एन। ठीक है, और मुझसे बोल रहा है इसमें कि जो कंडीशन भी है साथ में कि जीरो लेस देन ए लेस देन बी। अब देखो समझिए ध्यान से, मुझे लगाना है सैंडविच थ्योरम। क्या लगाना है? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम मैंने समझाई रखा है, अप्लाई करते हैं। तो देखो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का होल पावर वन बाई एन, इसमें से बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? ए और बी में कौन बड़ा है? बी बड़ा है। अगर हम बी से ए को रिप्लेस कर देंगे तो ये वैल्यू इससे पक्की बड़ी हो जाएगी, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी बी की पावर एन प्लस बी की पावर एन का होल पावर वन बाई एन। बड़ी होगी नहीं होगी? और ये वैल्यू पक्की बात है बी से तो बड़ी होगी, और ये तो बी के बड़ी होगी तो बी के बराबर होगी, बी से कभी छोटी नहीं हो सकती। करके देख लेना, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा ले सकते हैं तो कहानी को समझिए, बी लेस देन आर इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का होल पावर वन बाई एन लेस देन आर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा टू बी की पावर एन, तो यानी टू की पावर एन वन बाई एन हो गया, एन टू बी हो गया। ये कन्वर्स कर रहा है बी को, ये कन्वर्स कर रहा है बी को। एक बार फॉर्मूला याद रखना, सी की पावर वन बाई एन, ठीक है, इक्वल टू वन होता है इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। समझे? सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो C अगर मेरा जीरो से बड़ा है, जैसे दो ले लिया, जीरो से बड़ा है ना दो, वन बाई एन पावर करेंगे क्या आएगा? वन, तो ये वन आ गया, और वन इंटू बी करेंगे क्या आएगा? बी। इसका मतलब बी ए भी कन्वर्ज करे, बी ए भी कन्वर्ज, इसका मतलब ये किसको कन्वर्ज करेगा? बी को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, पक्की बात है ना? तो ये सारे बाटले के एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, एक्चुअली में सभी बाटले के एक्सरसाइज है ये, जिसको कर लो आराम से। रेशियो टेस्ट से सारे क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन है सभी रेशियो टेस्ट लगाने हैं तुम्हें, इसमें सभी में रेशियो टेस्ट लगाने हैं। कंडीशन क्या दिया गया है कि ए जो है मेरा जीरो से बड़ा और वन से छोटा है, और बी जो है हमारा ग्रेटर देन वन है, आई होप आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि ए की पावर एन, अब इसकी लिमिट तुम्हें निकालनी है। एक्चुअल में कैसे निकालेंगे इसकी लिमिट? तो मुझे करना क्या होगा, मुझे रेशियो टेस्ट लगाना है इसमें। क्या लगाना है? रेशियो टेस्ट। तो देखो लिमिट वैसे इसके बीच में है, सीधे मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि जीरो होगा कि ए होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, जीरो होगा ए होगा मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करता हूँ रेशियो टेस्ट। तो लिमिट एक्स एन प्लस वन यानी कि पावर एन प्लस वन अपॉन अपॉन ए की पावर एन क्या आ जाएगा? लिमिट, तो ए बचेगा, क्या जाएगा? ए। और ए बचा, ए बात समझो, ये लेस देन वन होना चाहिए, ये लेस देन वन होना चाहिए, तो ए तो वैसे भी लेस देन वन है कि नहीं है? है। अगर ये लेस देन वन है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट हुआ। ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट, ये तो पक्का हो गया कन्वर्जेंट होगा। और हमने बताया जब भी ये लगा हो जाए लेस देन वन, और जब भी रेशियो टेस्ट अप्लाई हो जाए और लेस देन वन हो जाए, तो हमने बताया वो कन्वर्जेंट होता है, साथ में उसकी लिमिट क्या होगी? जीरो होगी। तो इसकी लिमिट क्या होगी? जीरो, श्योर जीरो है। कोई डाउट? एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर से, बी की पावर एन अपॉन टू की पावर एन, बी की पावर एन अपॉन टू की पावर एन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलो इसको ट्राई करो, रेशियो टेस्ट, फिर से रेशियो टेस्ट। तो देखेंगे लिमिट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन प्लस एक्स एन होता है ना, तो बी की पावर एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन इंटू बी की पावर एन अपॉन टू की पावर एन, राइट? यहाँ तक समझ में आया? तो ये टू पावर एन, ये बी पावर एन खत्म, यानी ऊपर बचेगा लिमिट बी अपॉन टू। तो जाहिर सी बात बी अपॉन टू ही आएगा, कॉन्स्टेंट है, एन तो है नहीं, तो लिमिट से कोई मतलब है नहीं। अब बी मेरा ग्रेटर देन वन है, बी मेरा ग्रेटर देन वन है, तो इस पर डिस्कस करो कि कब मेरा कन्वर्जेंट होगा और कब मेरा ये डाइवर्जेंट होगा। तो मुझे लगता है, बात समझो, मुझे लगता है बी की जो वैल्यू है टू, और टू से क्या कर लें, वन से बड़ी कर लें, टू से अगर छोटी कर लें, ठीक है, टू से अगर छोटी कर लें, तो ये लेस देन वन होगा नहीं होगा? लेस देन वन होगा। तो बी का जो वैल्यू है वन से बड़ी टू से छोटी कर दें, तो हमारा क्या होगा? ये कन्वर्जेंट, लेस देन वन हो जाएगा, इसका मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा। और कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये जो सिक्वेंस है, कौन सा सिक्वेंस? तो इस कंडीशन के लिए सीक्वेंस एक्शन जो हमारे पास है
इसको हम एक्सन नाम दे रहे हैं, राइट बेटा। तो एक्सन कन्वर्ट कर जाएगा किसको, जीरो की ओर। लेकिन अगर मैं यहीं पे देखता हूँ कि टू उठा देता हूँ, टू टू पे जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू टू पे मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बी इक्वल टू टू पर क्या होगा, टेस्ट इज फेल। बी इक्वल टू टू पे टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, तो हम बात करेंगे बी इक्वल टू टू पर अलग से, ठीक है। अब हमारा बना बी ग्रेटर देन टू, टू से बड़ा, अब टू से बड़ा कुछ भी रखेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन टू के लिए क्या हो जाएगा, वन से बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वन से बड़ा मतलब डाइवर्जेंट। तो एक्शन डाइवर्ज कर जाएगा, एक्शन इज डाइवर्जेंट। बोलो सुन आया, ठीक है। अब मेरा बचा b इक्वल टू टू, तो b इक्वल टू टू रखो तो बन जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, लिमिट 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 n अप्रोच टू इन्फिनिटी, 2 पावर n अपॉन 2 पावर n मतलब खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब b इक्वल टू टू पर ये कन्वर्ज कर जाएगा x1 किसको, 1 को। तो हमने देखा 1 से 2 के बीच में रहोगे तो 0, ठीक है, 2 पर रहोगे तो 1, और 2 से बड़े हो जाओगे तो डाइवर्जेंट। नोट कर लो, हो गया पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि b की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, इस पे ध्यान दो, ये एक्शन है मेरा क्या, b की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और इस पे हम रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, तो जायज़ बार लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो प्लस वन कर लो, इधर भी प्लस वन कर लो, कोई दिक्कत, इधर हो जाएगा बी पावर n प्लस वन, इधर हो जाएगा n फैक्टोरियल, सॉरी ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बी पावर n से ख़त्म, n प्लस वन से n फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा इधर ऐसे, अरे इतना बचेगा ना, कन्फर्म कोई डाउट तो है नहीं। तो मेरे पास बना क्या, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी अपॉन एन प्लस वन, पक्का ये आएगा, कुछ छूटा नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा b कोई बड़ा कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा उसके लिए क्या देगा, ये जीरो, जीरो क्या देगा, लेस देन वन, लेस देन वन होने का मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कर लो, ये तो कन्वर्जेंट हो गया है ना। हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन वो आ रहा है कि n अपॉन b की पावर n, चलो इसको सॉल्व करो, n अपॉन b की पावर n, ये तो सॉल्व हो ही गया ये वाला, अब इसको सॉल्व करो, सिमिलर है लगभग, लेकिन सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आएगा। वन अपॉन बी, तो वन अपॉन बी क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन वन, तो वन अपॉन बी क्या होगा, लेस देन वन, लेस देन वन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंस टू जीरो, एक्चुअली में आया होगा वन अपॉन बी आया होगा, वन अपॉन बी, अब हम जानते हैं बी इज ग्रेटर देन वन, सो इम्प्लाइज दैट वन अपॉन बी इज लेस देन वन, इसका मतलब लेस देन वन हो गया, इसका मतलब किसको कन्वर्ज कर जाएगा, जीरो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई नहीं आ गई। अगला, टू की पावर थ्री एन अपॉन थ्री की पावर टू एन,
टू की पावर थ्री एन अपॉन थ्री की पावर टू एन, टू की पावर थ्री एन अपॉन थ्री की पावर टू एन, जरा इसके बारे में सोचिए। रेशियो टेस्ट अप्लाई करिए और मुझे बताइए एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की वैल्यू क्या आ गई। होपफुली आई थिंक टू की पावर थ्री अपॉन थ्री की पावर टू यही आई होगी, पक्का देख लो एक बार ध्यान से, यही आई। इधर कितना हो जाएगा एट, इधर कितना हो जाएगा नाइन, एट बाई नाइन का मतलब क्या हुआ लेस देन वन, इसका मतलब कन्वर्ज करेगा किसको, जीरो को कन्वर्ज करेगा। कहानी क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन मेरे लिए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर वन बाई एन, आई होप ये क्वेश्चन हो, एन की पावर एन है वन बाई एन नहीं, एन की पावर एन, यस एन की पावर एन, इस पे कैसे करेंगे, रेशियो टेस्ट लगाओ, क्या हो जाएगा लिमिट एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सॉरी एक्स एन, ठीक है क्या बनेगा ध्यान दो बेटा, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन का होल पावर एन प्लस वन, राइट। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ इसी वक्त, इन टू में एन प्लस वन लिख दूँ कोई दिक्कत, और इधर हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर एन, एन फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वन प्लस एन का होल पावर एन, ऐसा लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू सीधे याद रखो वन प्लस वन बाई एन का होल पावर एन की सीधे वैल्यू याद रखो कितनी ई, कितनी ई, क्यों, अगर यहाँ एक्स होता तो यहाँ एक्स आता, ठीक है, अब यहाँ वन है तो यहाँ वन आएगा, बात समझ आ गई ना, तो ये होता है ई, वन अपॉन वन गया ई, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो, बात समझे नहीं समझे, वन अपॉन ई आ गया, वन अपॉन ई क्या है लेस देन वन है, क्यों, क्योंकि ई इज ग्रेटर देन वन, समझो ई इज ग्रेटर देन वन, सो इम्प्लाई द वन अपॉन ई इज लेस देन वन, कहा निकले नहीं क्लियर, वन अपॉन ई लेस देन वन हो गया तो क्या करेगा ये कन्वर्ज टू जीरो, जो कि एक्स एन मेरा कन्वर्जेंट रहे, ठीक है। तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल सोचना है जो कि एक्स एन मेरा क्या रहे, एक्स एन इज कन्वर्जेंट, ये एग्जांपल तुम्हें सोचना है, ठीक है। तो एक्स एन का होल पावर वन बाई एन कन्वर्ज करे वन को, कुछ ऐसा सोच के बताओ, ऐसा एक्शन बताओ जो कि कन्वर्जेंट हो, और इसमें रखें लिमिट अप्लाई कर दें तो वैल्यू कितनी दे दे वन, है कोई तुम्हारी नजर में, बोलो नहीं समझ आया, नहीं मिल रहा है, ढूंढो यार मन लगा के, एक्शन मिल गया वन बाई एन कन्वर्ज करता नहीं करता, पहले बताओ कन्वर्जेंट है या नहीं, पक्का है, ठीक है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसमें रखेंगे तो लिमिट वन बाई एन का होल पावर वन बाई एन रखो, ये बनेगा, और इस पे रखोगे हम जानते हैं अभी इसकी वैल्यू में बताई मैंने कितनी बताई वन, तो वन अपॉन वन की वैल्यू कितनी होती वन, हो गया आंसर, ठीक है। कम समझ में आया, एक ऐसा मुझे बताओ एक्सेंट जो कि डाइवर्जेंट हो, क्या हो, डाइवर्जेंट हो, बट उसकी जो लिमिट हो वो कन्वर्ट कर जाए वन को, ऐसे इसकी जो लिमिट यहाँ पे ध्यान दो, इसकी जो लिमिट हो किस पे कन्वर्ट कर जाए वन पे, बताओ कौन होगा, एन, बिल्कुल सही, एन रख लो, तो एन की पावर वन बाई एन कन्वर्ट कर रहा है वन को, बट एन क्या है डाइवर्जेंट है, वेरी गुड, इस बार थिंक किया तुमने, अच्छा किया। इफ बी एन इज बाउंडेड एंड ए एन इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सो सच दैट आप लिमिट ए एन बी एन पर क्या कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट, आप ऐसा बोलो सीक्वेंस ए एन और बी एन पर आप क्या कह सकते हैं एक कन्वर्जेंट होगा नहीं होगा, अगर एक कन्वर्जेंट होगा तो इसकी लिमिट कितनी होगी हमें ये भी तुम्हें बतानी पड़ेगी,
अच्छा मैंने ये नहीं बताया एक्स एन कन्वर्जेंट, चलो हम एक भी बता देते हैं एक्स एन कन्वर्जेंट है, चलो ठीक है, चलो हम ये भी एक चीज़ और डाल देते हैं, एक्स एन कन्वर्ज टू कर रहा है जीरो का, अब तो और आसान कर दिया, अब तो और आसान कर दिया, अभी एक्स एन मेरा कन्वर्जेंट था ठीक है, तो ए एन बी एन बारे में सोचना था मुझे, अब मैंने क्या कर दिया एक्स एन कन्वर्ज टू जीरो, चलो एक्स एन इज कन्वर्जेंट, चलो मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूँ, एक्स एन कन्वर्जेंट तो ये भी मेरा ए एन बी एन क्या होगा मेरा कन्वर्जेंट होगा, स्योर कन्वर्जेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बी एन मेरा बाउंडेड है तो अनबाउंडेड है तो वी कैन नॉट से अबाउट दिस, ठीक है ना, लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो हम आराम से कह सकते हैं कि हाँ वो भी कन्वर्जेंट होगा, तो एक्स एन अगर मेरा जीरो कन्वर्ज कर रहा है तो अब ए एन बी एन किसको कन्वर्ज करेगा, तो याद रखो ए भी क्या करेगा जीरो कन्वर्ज करेगा, पक्की बात है ये डाउट है ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया सर, लेकिन अब ये मुझे बताओ क्या इसको सो करने के लिए, सो तो कर लोगे ना इसको, अरे मैं बताता हूँ कैसे, ये बाउंडेड है इसका मतलब बी एन लेस देन आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव, मेरे ये बताने जरूरत नहीं, ये होगा नहीं होगा ये बताओ, एक कोई एम होगा जिससे बाउंडेड मतलब क्या हुआ ऐसा होगा, अच्छा ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब एक्सन जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, पक्की बात है, हम चलो इसको एप्सिलॉन बाई एम मान लेंगे तो भी तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये एम मेरा पॉजिटिव एप्सिलॉन मेरा पॉजिटिव, अच्छा ये मेरा पॉजिटिव है एम मेरा पॉजिटिव है, ये बात याद रखना, इसमें क्या बात मॉडुलस से बड़ा है तो एक बार पॉजिटिव होगा, एम मेरा पॉजिटिव एप्सिलॉन मेरा पॉजिटिव तो ये मेरा पॉजिटिव होगा, अब मुझे प्रूव करना है ये मेरा कन्वर्जेंट है ना, और ये जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है इसलिए मैंने सीधे जीरो ले लिया, तो ये जीरो पे ये भी कन्वर्ज कर रहा है ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, देखो ए एन बी एन हमें शो कर रहे हैं जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तो माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए ना बेटा, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं मॉड ए एन बी एन, बोलो ऐसे नो, इसको मॉड ए एन मॉड बी एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मॉड ए एन की वैल्यू क्या होगी, मॉड ए एन सॉरी ए एन नहीं है क्या है ए एन, यस ए एन, ए एन कौन सा है मेरे पास, ए एन नहीं ये ए एन होगा, ये क्या होगा ए एन होगा, तभी तो एन बी एन बनेगा ए एन एक्स एन ठीक है ना, चलो बात करो ए एन और बी एन ले लिया, गलत लिख लिया मैंने ए एन बी एन गलत लिख लिया, बी एन था तुम्हारा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको मानोगे हम बी एन एक्स एन, बोल भी नहीं रहे हैं तुम इतनी देर से, बी एन एक्स एन असल में आया बी एन एक्स एन, बी एन एक्स एन नहीं क्लियर है क्या कहानी, अरे क्या बात है समझ आया नहीं आया, अरे क्वेश्चन में आया बी एन एक्स एन को तभी डिसाइड कर पाओगे, बी एन एक्स एन दो सीक्वेंस की बात करेंगे तभी तो इसकी बात करोगे ना, कुछ नया ए एन कहाँ से आ जाए, ए एन तो डिफाइन भी नहीं था है ना, क्या हुआ था ही नहीं ना मेरे पास, अरे कहानी क्लियर नहीं क्लियर ठीक, ये क्या है ये लेस देन आर इक्वल टू एम है, ये क्या है लेस देन एम बाई एप्सिलॉन एम बाई एम, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम इंटू एप्सिलॉन बाई एम, बोलो कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम से एम गया लेस देन एप्सिलॉन हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ फॉर ऑल ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट, लिख देना फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट ठीक है, बात समझे नहीं समझे समझ आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी एन और एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है कहाँ पर जीरो पर, अच्छा मैं इसमें क्या अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा सकता हूँ, वो भी मैंने पढ़ा रखा है, दो सीक्वेंस हैं और दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट है तो जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या मैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस लगा सकता हूँ, अगर एक्स एन मेरा कन्वर्जेंट वाई मेरा कन्वर्जेंट तो एक्स एन वाई वन भी मेरा कन्वर्जेंट होगा, बोलो क्या लगा सकता हूँ, तो एक थ्योरम याद रखो हमेशा एक थ्योरम याद रखो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ठीक है इज बाउंडेड इज बाउंडेड बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, फॉर एग्जाम्पल माइनस वन की पावर एन इज बाउंडेड सीक्वेंस राइट बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इससे बात समझ में आ गई कि जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं वो तो बाउंडेड होंगे लेकिन जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट से जरूरी नहीं है, तो अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस क्या कहता है, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस ये कहता है कि
कि ये भी मेरा कन्वर्जेंट हो, ये भी मेरा कन्वर्जेंट हो, तो मैं ए एन और बी एन जो मेरा जो एक्स एन और बी एन बनेगा वो भी मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देखो ये तो मेरा कन्वर्जेंट है लेकिन बी एन मेरा ही बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये मेरा क्या होगा, इसलिए मेरा कन्वर्जेंट ऐसा जरूरी, मतलब कि इसकी सहायता से हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाकर हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। रीजन समझ में आया ना, क्योंकि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट बी कन्वर्जेंट, मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट होता है। अब ध्यान दो, हम इसी समय समझा देते हैं कैसे। वन बाई एन एक्स एन को चॉइस कर लो, कन्वर्ज कर रहा है जीरो पर, ठीक है। माइनस वन की पावर एन बाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड है। दूसरा सिक्वेंस ले लिया मैंने, ये पहला हो गया है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन की पावर एन बाई एन, क्या किसको कन्वर्ज करेगा ये, किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा, सीधे कन्वर्ज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम समझ में आया क्या बात, इस बात को अप्लाई कर देंगे सीधे, कोई डाउट, अरे कोई डाउट, ठीक। ऐसा एक एग्जांपल चॉइस करो एक्स एन, ठीक है, जो कि बाउंडेड हो, इज बाउंडेड, मेरी बात समझ पा रहे हो, और लिमिट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन कर दें तो क्या आ जाए, इज ग्रेटर देन वन आ जाए। इसका मतलब इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब एंड कन्वर्जेंट हो ना, इज नॉट कन्वर्जेंट। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचो जो कन्वर्जेंट तो ना हो, बाउंडेड हो कन्वर्जेंट ना हो, कन्वर्जेंट ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ है, हाँ इज ग्रेटर देन वन आना चाहिए, वन अपॉन एन तो कन्वर्जेंट है, बाउंडेड भी है, हाँ तो ये पक्का ये लेस देन वन देगा, ग्रेटर देन वन नहीं है। ये शो करने का मतलब क्या हुआ, ये शो करने का मतलब हुआ कि हमें इज नॉट कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है। कौन ले लोगे, माइनस वन की पावर एन प्लस वन रेशियो टेस्ट लगेगा नहीं, लगेगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन, क्योंकि एक्स एन उसके लिए रेशियो टेस्ट के लिए खासियत बात है, रेशियो टेस्ट के लिए खास बात क्या है कि एक्स एन मेरा पॉजिटिव रियल सिक्वेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस होना चाहिए, हमने बताया नहीं था इसको लिख लेना, एक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस होना चाहिए, तो माइनस वन की पावर एन पॉजिटिव तो रहेगा नहीं, इसलिए इसमें रेशियो टेस्ट नहीं लगेगा, तो माइनस वन की पावर एन में रेशियो टेस्ट फेल होता है। तो आइए नहीं, आप माइनस के वाले तो सोच ही नहीं सकते हो, आपको कौन से सोचने हैं, पॉजिटिव सोचने हैं, कौन से सोचने हैं, पॉजिटिव, लेकिन बाउंडेड भी रहें ये भी तुम्हें ध्यान देना है, बाउंडेड भी रहें और साथ में रेशियो टेस्ट करें तो वो कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट दिखाए, और पॉजिटिव सोचना है तो बताओ कौन ले सकते हो, नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे, माइनस वन की पावर एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करके देखो, मान लो तुमने नहीं याद किया तो क्या होगा, ये तो करोगे है ना, लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस वन आएगा, और माइनस वन लेस देन वन है, कन्वर्जेंट हो गया इसके अकॉर्डिंग, वो कन्वर्ज करने जीरो की ओर, लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं होगा, ये कन्वर्स पार्ट है इसका है ना, इसलिए गलत है ये, इसलिए याद रखना है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस होना चाहिए, कैसा, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस होना चाहिए, ये पॉजिटिव ना बोलो तो फिर यहाँ मॉड लगाओ, क्या लगाओ, मॉड, ऐसे मॉड लगा दो ऐसे, अब पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो तो क्या लगा दो, मॉड लगा दो, बस हमने समझे तो आ जाएगा, फिर पॉजिटिव नहीं बोलो तो मॉडल लगा देना, कहानी बताओ खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, कोई डाउट बताओ, समझ में आ गया, कर पाओगे, इसकी एक्सरसाइज मैंने बेटा ख़त्म कर दी लगभग, ठीक है, कल एमसीटी चलेगा, क्या चलेगा, एमसीटी।